कोचिंग टीचर्स एंड ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को कोचिंग खोले जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में कोचिंग टीचर्स एंड ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 22 मार्च को जब से लॉकडाउन लगा है पूरे प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थान बंद है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोचिंग से जुड़कर अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले शिक्षकों की संख्या 50,000 है और इस महामारी में शिक्षकों के अधिकांश परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं और ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों को इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से क्लास छोड़ दिया जा रहा है और ऑफलाइन क्लास की मांग की जा रही है। अतः 15 अक्टूबर से आई गाइडलाइन में 50% बच्चों के साथ स्कूल खोलने को मिली छूट को देखते हुए उस गाइडलाइन में कोचिंग को भी 50% खोलने की अनुमति दिया जाए, जिससे कि शिक्षकों का परिवार चल सके। इस मौके पर जनपद के सभी कोचिंग के टीचर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए कोचिंग टीचर्स एंड ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर मिश्रा ने कहा, सूरी सर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ जो हमारा कोचिंग टीचर वेलफेयर एसोसिएशन है। सर ये जो विज्ञप्ति हम लोग देने जा रहे हैं, ये विज्ञप्ति कोचिंग को शुरू कराने के लिए दी जा रही है, क्योंकि हम लोग जैसा जान रहे हैं कि फरवरी के लॉकडाउन से लेकर के अभी तक सारे के सारे कोचिंग संस्थान जो है बंद हैं, और कोचिंग संस्थान बंद होने की वजह से छात्रों को ही नहीं जो भी शहर के शिक्षक हैं वो सभी लोग इस समय परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने भी बहुत ढेर सारी आर्थिक मंदियां हैं। जैसे हमारे साथ जो जुड़े हुए शिक्षक हैं और हमारे जो ओनर हैं उनके किराए, फिर बिजली का बिल, फिर हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ है, फिर हमारे साथ जो लोअर वर्कर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्टाफ है, उन सभी लोगों का जो मासिक वेतन है, ये सारी समस्याएँ हम लोगों के ऊपर झेल रहे हैं। हम सभी लोग इस समस्याओं को झेल रहे हैं, और इसके साथ हम शिक्षक ही नहीं, हमारे छात्र भी जो है बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि छात्र जो है वो ऑनलाइन क्लास से पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं है। छात्र को जो है अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने शिक्षक के साथ जो है रूबरू होना पड़ेगा। हम अपनी समस्या को मोबाइल से कब तक सॉल्व करते रहेंगे? और चलिए मान लेता हूं मैं आप शहर में हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, तो क्या हम उन बच्चों को छोड़ सकते हैं जो हमारे गाँव में पड़े हुए हैं? क्या हमारे गाँव के उस बच्चे को 4G का नेटवर्क मिल रहा है? हम कह रहे हैं 4G का नेटवर्क मिल भी रहा है तो कितना डाटा मिल रहा है? क्या जो हम क्लासेज चला रहे हैं वो सारी की सारी क्लासेस हमारे बच्चों के लिए उपयुक्त हो पा रही है? वो बच्चा हमारा लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं इन बच्चों से बहुत ज्यादा पिछड़ते हुए चला जा रहा है। तो हमारी यही दरख्वास्त है, हम सरकार से यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, जैसे आप सारी चीजें जो है खोल रहे हैं, खोलने की अनुमति मिल रही है, सिनेमा हॉल खुल रहा है, स्विमिंग पूल है, जिम है, ये सारी चीजों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर ओपन किया जा रहा है तो हम लोगों को भी ये परमिशन दी जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम अपनी क्लास चलाएं। जिस क्लास की स्ट्रेंथ में हम 100 बच्चे बैठाते थे, वहां 20 बच्चे बैठा करके फॉलो करेंगे। जो भी हमारा सैनिटाइजेशन है, सारी जो रूल रेगुलेशन है, सारी चीजों को हम फॉलो करने को तैयार हैं, और हमारा कोई गार्जियन के ऊपर प्रेशर नहीं है, गार्जियन की विलिंगनेस पे है। अगर गार्जियन ये महसूस कर रहा है कि हमारा बच्चा जो है कोई प्रॉब्लम में नहीं है, वहां जाके अच्छे से क्लास कर सकता है, तो वो भेजें, कम से कम बच्चा आए, हमारे पास डाउट्स क्लियर करे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं जनवरी में हमारा जेईई मेंस होने वाला है, तो हम बच्चे को कब प्रिपेयर कराएंगे, बच्चे को टेस्ट की प्रैक्टिस कब कराएंगे? हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमें भी अनुमति दी जाए और हम अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकें, बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सके, और बाकी जो हमारी जो आर्थिक मंदी है, जिस आर्थिक मंदी से इस समय हम लोग बहुत जूझ रहे हैं, तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें भी अनुमति दी जाए ताकि हम लोग अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें।